आज लेक्चर नंबर 8 शुरू करेंगे। आज कौन सा लेक्चर शुरू करेंगे? लेक्चर नंबर 8। इससे पहले लेक्चर हमने क्या प्रैक्टिस किए थे? दिस और दैट की प्रैक्टिस किए थे। दिस और दैट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं, समझे? क्या बोलते हैं? डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस, दिस एंड दैट। और कैसी प्रैक्टिस किए थे? ये किताब है, ये किताब है, दिस इज अ बुक, वो पेन है, दैट इज अ पेन, इसकी प्रैक्टिस किए थे। फिर हम लोगों ने क्वेश्चंस भी बनाए थे। Is this a pen? Answer the yes, this is a pen. Is that a book? Yes, that is a book. अगर नहीं है तो that is not a book. इसकी already हम लोग ने practice कर चुके। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि ownership कैसे बताते? कोई चीज मेरी है, कोई चीज तुम्हारी है, कोई चीज उस लड़की की है, कोई चीज वो लड़के की है, ये भाई मेरा है, ये उसका भाई है, ये उसकी सिस्टर है, ये कैसे हम लोग बताते हैं, कैसे किस तरह से इसकी बात की जाती है, उसकी आज हम लोग देखेंगे, उसके डेफिनेशंस देखेंगे, किस तरह से ये सेंटेंसेस बनते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें लिखी हुई है, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स और पॉजिटिव प्रोनाउन लिखा, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स एंड पॉजिटिव प्रोनाउन्स लिखे हुए हैं। और ये दोनों चीजें से हम लोग क्या बताते हैं? ओनरशिप बताते हैं। दोनों चीजें हम क्या बताते हैं? ओनरशिप बताते हैं, ठीक है? ओनरशिप किसको बताते हैं? कि चीज मेरी है या चीज किसी की है, वो ओनरशिप बताते हैं। इंग्लिश में इसको कैसा बोलते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव्स रिफर्स टू वर्ड्स व्हिच मॉडिफाई, क्या करते हैं वो, व्हिच मॉडिफाई अ नाउन बाय शोइंग अ फॉर्म ऑफ पोजीशन और अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, और सेंस ऑफ बिलोंगिंग मतलब किसका है, और सेंस ऑफ belonging to a particular person or things. इसको बोलते हैं possessive adjectives. और same possessive pronoun की भी definition वैसे ही है. Possessive pronoun क्या करते हैं? Possessive pronouns does show मतलब वो भी दिखाते हैं, does show है ना ownership, क्या दिखाते हैं? Does show ownership, but it does not come before a noun. अभी कैसे उसका rule है? Possessive adjectives noun के पहले आता है, माय बुक, दिस इज माय बुक, लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन नाउन के पहले नहीं आता है। क्या बताया? पॉजेसिव प्रोनाउन नाउन के पहले नहीं आता, तो क्या होता है? नॉट कम बिफोर अ नाउन और इन अ नाउन फ्रेज, और कोई फ्रेज हम लोग आगे जाके देखेंगे नाउन फ्रेज कैसे बनते हैं, उसके बीच में भी नहीं आता, ठीक है? इट स्टैंड्स अलोन, स्टैंड अलोन मतलब वो अकेला ही रहेगा, उसके आगे पीछे जोड़ी नहीं आएगी उसकी, ओके? इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू रिप्लेस अ नाउन, ये नाउन को भी रिप्लेस कर देता है, समझ में आपको? तो ये उसकी डेफिनेशन है, मतलब दोनों में थोड़ा सा फर्क है। अब जैसे मैं कोई एक एग्जांपल देता हूं, दिस इज माय बुक, अभी माय बुक यहां पे देखो, दिस अब आपको सेंटेंस लिख के आएगा, दिस इज माय बुक, आगे जाके दिस इज माय बुक, ये किताब मेरी है, लेकिन इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस बुक, पहले हम लोग ने नाम को ले लिया, दिस बुक इज माइन, और माइन को लास्ट में कर दिया, तो माइन अभी नाम के साथ में नहीं आया। तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग आगे की स्लाइड देखते हैं कि आगे किस तरह से इसकी प्रैक्टिस करेंगे, कौन कौन से वर्ड्स पे प्रैक्टिस करते हैं वो देख लेते हैं। पहले हम लोग वर्ड्स देखते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स है, किस तरह से ओनरशिप बताई जाती है, किस तरह से ओनरशिप बताई जाती है। हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन से थे? तीन सब्जेक्ट कौन से थे? आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये हमारे तीन सब्जेक्ट्स थे। हमारे कौन से थे? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये क्या थे? सब्जेक्ट थे। अब आई मतलब आई मिस्टर इरफान, यू आर परवीन। अभी कोई चीज मुझको बतानी है कि ये मेरी है, ये मोबाइल मेरा है, ये मोबाइल, तो आई का क्या बन जाएगा? माय, मतलब आई का क्या बन जाएगा? माय, तो दिस मोबाइल इज या दिस इज माय मोबाइल, क्या बोलेंगे? दिस इज माय मोबाइल, या अगर ऐसा भी बोलते क्या बोल सकते हैं? दिस मोबाइल इज माय, तो आई का माय बनेगा, क्या बनेगा? आई का माय, और फिर दूसरा अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव की जगह पॉजेसिव प्रोनाउन अगर बनाने का है, स्ट्रेस देखिए, हाँ ये मेरा आई का, तो क्या बनाएंगे, क्या लिखेंगे? माय, आई का क्या बनता है? माय, मेरा मेरा, आई माय माय। दूसरा क्या है? वी आर आर्स, वी आर आर्स, यू
yours. You, your, yours. He, his, his. He, his, his. She, her, hers. She, her, hers. समझे ना? उसके बाद it, its, its. और फिर they, their, theirs. They, their, theirs. ये possessive क्या हो गए? Adjectives और possessive pronoun. ये table आपको याद रखना जरूरी है. ये table भूल गए तो नहीं. फौरन याद रखना. अगर मेरा कोई चीज़ बननी, मेरी क्या बनना है आपको? मेरा. तो कैसा बोलोगे? मेरा कैसा बोलोगे? Mine. या mine होगा. तुम्हारा, तुम्हारा कैसे बोलेंगे? Your. या yours होगा. करेक्ट है? उस लड़की का, उस लड़की का her, her. उसका क्या होगा? Her या hers. वो लड़के का his. बोलो, वो लड़के का his या his ही रहेगा. ठीक है? और क्या होगा? हम तुम वो लोगों का, उन लोगों का their, देखा their या उन लोगों का theirs. तो ये टेबल आपको याद रखना जरूरी. टेबल को बिल्कुल भूलना नहीं है. ये टेबल फौरन अपने को क्लिक होना चाहिए. अभी हम लोग थोड़ी प्रैक्टिस के लिए आगे स्लाइड पे चलते हैं. ओके, अब यहाँ कुछ नाम है. कौन कौन से नाम है? बुक, चेयर, पेन, ड्रेस, हैट, बॉल, बैट, पेन ड्राइव, वॉच, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैब, म्यूजिक सिस्टम, बैंगल, नेकलेस, रिंग, पर्स, ड्रेस, शर्ट और कुर्ती. ये सारे नाम दिखे. हम लोग इस पर थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं. चलो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं. बुक, बोलो ये बुक है. कुछ ही बोलो, ये बुक है. दिस इज अ बुक. ये बुक है. अभी बोलो ये मेरी किताब है. ये मेरी बुक है. दिस इज माय बुक. दिस इज माय बुक. चेयर बोलो, ये चेयर है. This is my. This is a chair. This is a chair. This is a chair. Yes. This is a chair. This is ये मेरी चेयर है. This is my chair. This is my chair. ये पेन है. This is a pen. This is a pen. ये मेरा पेन है. This is my pen. This is my pen. और दूसरा है ड्रेस. This is a dress. This is a dress. ये मेरा ड्रेस है. This is my dress. This is my. हम लोग किसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी? माई की ही प्रैक्टिस कर रहे हैं. ठीक है? ये बॉल है. This is a ball. ये मेरा बॉल है. This is my ball. ये बैट बोलो, बैट. This is a bat. This is a bat. ये मेरा बैट है. This is my bat. Pen drive. This is a pen drive. ये मेरा pen drive. This is my pen drive. This is my pen drive. This is my. This is my pen drive. Okay. Mobile. This is a mobile. This is a mobile. This is my mobile. ठीक है? Laptop. This is a laptop. This is my laptop. This is my laptop. This is my laptop. एक बार फिर प्रैक्टिस करके फिर से अभी हम लोग जो वर्ड्स दिखे हैं उस वर्ड की फिर से प्रैक्टिस करते हैं. बुक. This is a book. This is my book. This is my book. This is a my book. This is my book. This is my book. My book. Yes. This is my book. Okay. Chair. This is a chair. This is a chair. Yes. This is my chair. This is my chair. Article use नहीं करने का. जब तुम possessive pronoun या possessive pronoun use करेंगे तो. This is my chair. Sorry, possessive adjective use करेंगे तो. This is. क्या करेगा? A नहीं लगेगा. Pen. This is my pen. This is a pen. This is my pen. Aista. Yes. Dress. This is a dress. This is my dress. This is my dress. This is my dress. Correct. Aista. Tum bolo khushi. Hat. This is a hat. This is my hat. Parveen. Ball. This is a ball. This is my ball. Okay. Bat. This is a bat. This is my pen drive. This is a pen drive. This is my pen drive. This is watch. This is a watch. This is my watch. This is my watch. तुम बोलो mobile. This is my mobile. अबे ठीक है. अब हम लोग थोड़ा चेंज करते हैं इसको. आगे कैसे जाएंगे? अभी कंप्यूटर. ये कंप्यूटर है. This is a computer. अब उसको ऐसा बोलेंगे. This computer is mine. This computer is mine. This computer is mine. ठीक है. कुछ लैपटॉप. दिस लैपटॉप इज
This laptop is mine. First, bolo, this is a laptop, this laptop is mine. Bolo. This is a laptop, this laptop is mine. Okay. Tab. This is a tab. This tab. This tab is my mine. Tab. This mine. Is mine. Yes. This is mine. Yes. This tab is mine. This tab is mine. Music system. This is a music system. This music system is mine. This music system is mine. Tum bolo, bangle. This bangle. This is a bangle. This is a bangle. This bangle. This bangle is my bangle. This bangle is mine. This bangle is mine. आगे बोलने नहीं, बस mind पे खत्म कर दे. Necklace. This is a necklace. This necklace is mine. This necklace is mine. Ring. This is a ring. This is mine. This ring is mine. No, this ring is mine. This ring is mine. Purse. This is my purse. This purse is mine. This purse is mine. Dress. This is a dress. This dress is mine. Shirt. This is a shirt. This shirt is mine. This shirt is mine. Kurti. This is a kurti. This sentence is ke saath dekh. Theek hai? Sentence ke saath dekh lete hain abhi. This is a chair. Dekho, this is a chair. This is a table. This is a computer. This is a laptop. This is a pen. Correct? This is a pen. This is a bangle. This is a tab. This is a shirt. Correct? This is a shirt. This is a car. अब इसको कैसे बोलेंगे? This is a chair. This is my chair. This is my chair. This is my table. This is my computer. This is my laptop. This is my pen. This is my pen. This is my bangle. This is my tab. This is my shirt. This is my shirt. Correct? This is my car. समझ में आपको? नीचे कैसे है? देखो. This is my chair को क्या बनाया हम लोग ने? This chair is mine. This chair is mine. मतलब ये दोनों भी सही है. This is my chair भी सही है. This chair is mine. लेकिन एक थोड़ा strong है, एक थोड़ा weak है. The first वाला weak है, second वाला थोड़ा strong है. This is my table. This table is mine. This is my computer. This computer is mine. समझ में आया तुमको? This is my laptop. This laptop is mine. Correct? समझ में आया? This is my pen. This pen is mine. This is my bangle. This bangle is mine. समझे ना? This is my tab. This tab is mine. Correct? This tab is mine. This is my shirt. This shirt is mine. This shirt is mine. This is my car. This car is mine. हम लोग ने अपने के आज के लेसन में क्या देखा? Possessive adjectives and possessive pronouns को प्रैक्टिस की, समझने की कोशिश की, थोड़ा डिटेल देगा और इसके और प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि सिर्फ माई से प्रैक्टिस नहीं होगी. फिर क्या होगा? योर, हर, हिज, देयर, इट्स. समझे? तो इसकी भी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी. सिर्फ अपने अपने किसकी प्रैक्टिस की है? सिर्फ माई की प्रैक्टिस की. अभी जैसे हम लोग, दिस इज अ चेयर, यहाँ पे बोलेंगे ये तुम्हारी चेयर है, तो दिस इज योर चेयर. दिस इज अ टेबल, दिस इज योर टेबल. This is a computer. This is your computer. This is a laptop. This is your laptop. तो ये practice करेंगे. जैसे वापस आते हो ऊपर. This is a chair. वो लड़की की chair है. This is her chair. या फिर this is Rani's chair. उसके लिए मैं आगे बताऊंगा आपको कि Rani's क्यों आया इधर. लेकिन आप बोलेंगे this is her chair. This is her chair. या कोई ऐसा भी बोलते this is Rani's chair. या This is Raja's chair. तो बोलेंगे this is his chair. राजा के साथ में his आता है और रानी के लिए her रहेगा, क्योंकि एक लड़का एक लड़की. तो उन सब की अपने को प्रैक्टिस करनी है, फिर क्वेश्चंस भी बनाने. Is this your pen? बोलेंगे yes, this is my pen. Is this her pen? Yes, this is her pen. या is this her pen? No, this is not her pen. आपको समझे? We have to practice. The short lesson में हम लोगों ने क्या कोशिश की है कि किस तरह से possessive adjectives को समझते और किस तरह से बात करते और किस तरह से possessive pronouns का use करते. किस तरह से हम लोग possessive pronouns का use करते. Lecture number 8 को अब यहाँ पे finish करके next lecture में इसकी full practice करने की कोशिश करें. सारे
पोजेसिव एडजेक्टिव्स को भी यूज करेंगे और सारे पोजेसिव प्रोनाउंस को भी यूज करेंगे. बट यू सी दिस लेक्चर एट होम एंड प्रैक्टिस मोर एंड मेक मोर सेंटेंसेस टू स्पीक. ओके, विल फिनिश द लेक्चर.